तसली से एक एक मिनट कोई जल्दी नहीं है, आप बैठे हैं मीटिंग 3-4 बजे में एक मीटिंग होती है। हम लोग चाहते थे कि ये काम हो लेकिन अब आप नहीं कर पाए तो यूआईटी को रिमांड कर दिया। तो कुछ फिर उनमें से अपील में चले गए, रिवर्न बोर्ड में चले गए, कुछ हाईकोर्ट में चल रहे हैं। तो कुछ मामले सर यहाँ से रिमांड किए थे, उसमें 3-4 डायरेक्शन दिए थे, इसमें ये जांच कर ली जाए कि वास्तव में डूब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी भरता है कि नहीं भरता है। तो उसके लिए हमने तहसीलदार से, गिरवा से और एजुकेशन से भी रिपोर्ट मांगी, कई जगह से तो हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं आई। इसके अलावा सर रिसेंटली एक सर्वे करवाया था, इसमें FTL का डिमार्केशन करवाया गया था, फुल टाइम ड्यूटी का, उसके भी वो भी सर्वे पूरा हो चुका है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और डिसाइड करना है। तो इसमें सुनवाई कर रहे हैं अपने ORG साहब और जगमोहन जी, क्योंकि अफसर अफसर अब वो हैं इसमें 90A के तहत, इसकी वो सुनवाई उनके द्वारा अभी चल रही है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिमांडेड केस है उनको वो डिसाइड कर देंगे। अब दिक्कत इसलिए हुई थी कि इसमें एजुकेशन से हमें सूचना नहीं मिली, रिपोर्ट नहीं आई, FTL डिमार्केशन हमारा काफ़ी लेट हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको डिसाइड करना है, फैसला करना है। अभी सुनवाई के लिए ली है उन्होंने, तो जल्दी इनको उम्मीद है डिसाइड करना। सर FTL के मामले में जहाँ तक थी, एक तो आपको पता है कि सर जो मौखी को बंद कर दिया गया था उसको पत्थर बाद में, जिसकी FIR आपने कटवाई थी, उस FIR के पे भी अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, जो अभी तक सच नहीं हुआ कि वो साजिश किसने रची थी जो वहाँ पे, आप ही की तो FIR नंबर दो। आपके यहाँ जितने भी ड्रेनिंग प्लांट थे वो पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से पानी नहीं निकला, तो वो लोग सजा क्यों भुगते जिनके यहाँ FTL पानी भरा? क्योंकि पाइप भी आप पानी रिकवर करोगे तो पानी तो भरेगा, और उन लोगों को अब उजाड़ने की जो साजिश हो रही है वो क्यों हो रही है? शहर के साहब हम किसी को नहीं उजाड़ना चाहते हैं, ना हमारी कोई साजिश होती है, हम उल्टा बसाना। आप नहीं, जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं बसाना चाहते हैं, लोगों को नियमन कर रहे हैं, तो हमारा काम बसाने का उजाड़ने का नहीं है। एक तो ये बात ध्यान से निकाल दें आप। जहाँ तक रही वो मौके किसने बंद करी, उसका जाँच करने का पुलिस का था, हम FIR दर्ज करा चुके थे सुगेर थाने में। अब जो भी जाँच करनी थी वो पुलिस को ही करनी थी उसमें। अब उन्होंने आपको बताइए जो भी उन्होंने जांच की है, जांच हुई कहाँ उस पर? कुछ भी जांच नहीं, ये पुलिस सालों करनी थी, हम FIR दर्ज करा चुके थे। और जहाँ तक FTL की बात है, FTL जो हेमंत गेरा साहब ने कहा था उस हिसाब से इनके सबके FTL का सर्वे करवाया गया था, और जो FTL ही गलत हुआ ना, चक्कर तो वो हो रहा है उसकी वजह से FTL गलत हुआ है। उन्होंने जो उस समय डायरेक्शन दिए थे, जहाँ तक पानी भर जाता है फुल टैंक जिस लेवल पर होता है, उस लेवल को उन्होंने FTL मानते हुए और डायरेक्शन दिए थे, उस आधार पर सर्वे किया गया है।